बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह हम लोग जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक, हम माउस को डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे, डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, और आज हम फोल्डर बनाना और उसको नेम करना सीखेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो बेटा माउस क्या है। माउस हमारी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है, जो किस लिए इस्तेमाल होती है, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्क्रीन के ऊपर जो आपको छोटा सा एरो का निशान नज़र आ रहा होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, या छोटा सा एरो नज़र आ रहा होता है, उसको हम माउस की मदद से लेफ़्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में हम अपने माउस को मूव करते हैं, हमारा कर्सर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अगर हमने माउस को लेफ़्ट साइड पर मूव किया है तो हमारा कर्सर भी लेफ़्ट साइड पर ही मूव करेगा। तो मूव माउस को हम यूज़ करते हैं, या तो हम उसको डिफरेंट आइटम सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है, किसी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, किसी ऑडियो को सिलेक्ट करना है, किसी वीडियो को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस की वजह से माउस को इस्तेमाल करते हैं, या बाज़ औक़ात हम क्लिक करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ताकि वो कमांड सेंड हो सके। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा हुआ है ओके और कैंसिल, हम ओके के बटन को क्लिक करते हैं तो ओके की कमांड सेंड हो जाती है या सेलेक्ट हो जाती है। इसी तरह हम कैंसिल के बटन को क्लिक करते हैं तो कैंसिल की कमांड सेंड हो जाती है या सेलेक्ट हो जाती है। बेटा हमारे माउस को हम उसके ऊपर नॉर्मली 3 बटन्स होते हैं या उनके 3 इवेंट्स होते हैं। लेफ़्ट क्लिक होता है जो हमारी लेफ़्ट फिंगर के नीचे होता है, राइट क्लिक माउस, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको लेफ़्ट साइड पर पकड़ना है या राइट साइड पर पकड़ना है। आपने उसको लेफ़्ट हैंडेड लिया हुआ है या राइट हैंडेड लिया हुआ है, जो फिंगर राइट साइड पे आपके होगी वो आपका राइट क्लिक कहलाएगा, और जो फिंगर बटन आपके लेफ़्ट साइड पे होगा वो आपका लेफ़्ट क्लिक कहलाएगा। अच्छा, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक के अलावा हमारे माउस के ऊपर एक स्क्रॉल व्हील भी होता है। स्क्रॉल व्हील ये बिल्कुल छोटा सा जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डायग्राम में मैंने साइड पर लिखा भी हुआ है कि राइट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक है, माउस की वायर है और स्क्रॉल व्हील है। ये ऊपर जो छोटा सा व्हील सा होता है, इसका मकसद क्या होता है? बाज़ औक़ात हमारा कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, मिसाल के तौर पर वो एक पेज के ऊपर पूरा नहीं आया होता, वो एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर बजाय इसके कि अप एंड डाउन की कील प्रेस करें, हम ये स्क्रॉल व्हील को अप और डाउन मूव कर लेते हैं। स्क्रॉल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, घुमाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्क्रॉल करना, घुमाना। अच्छा, अब स्क्रॉल व्हील की मदद से हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी है तो हम पूरे पेज में अप एंड डाउन अपनी उसको मूव कर सकते हैं। तो बात हो रही थी बेटा कि हमारे माउस के 3 इवेंट्स हैं, वो 3 इवेंट्स की वजह से हम या तो लेफ़्ट क्लिक करते हैं किसी चीज़ को हमने सेलेक्ट करना हो, या राइट क्लिक करते हैं या उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखनी हो, या हम ड्रैग करते हैं उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना हो। इसको अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, अभी आप सिर्फ इसकी थोड़ी सी थ्योरी जहन में रखें, ठीक है। अगली एक वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसको सारा कुछ प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा। माउस के बाद बेटा बात की जाए तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रोग्राम या ऐसे प्रोग्राम का मजमुआ होता है या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे हार्डवेयर को या हमारे सिस्टम के तमाम फंक्शंस को, तमाम उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस कहते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम कई दफ़ा सुना होगा, आप उसको बोलते भी होगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जिस चीज़ का आप नाम ले रहे हो इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मैं बड़ी मशहूर एग्जाम्पल आपको दूंगा, हम अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, ये विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, विंडोज़ हम इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाई थी, ठीक है, इसी वजह से इसको हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की विंडोज़ कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बेटा ऑनर बिल गेट्स था। बिल गेट्स एक ऐसा इंसान था जिसने सबसे पहले आइडिया दिया था कि हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं या अपने हार्डवेयर को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिल गेट्स के इस आइडिया के ऊपर उस वक्त के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, जितने भी दानिशमंद लोग थे, उन्होंने बिल गेट्स का एक अच्छा खासा मजाक उड़ाया।
उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर मुमकिन ही नहीं है कि जो हार्डवेयर को कंट्रोल करे। तो बिल गेट्स लेकिन इस चीज़ पर डटा रहा, उसने कहा कि नहीं मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दूंगा, उसने कहा कि ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर होगा जो तमाम हमारे ऑपरेशंस को, तमाम हमारे कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करेगा। खैर उस टाइम तो उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में जब उसने ये सॉफ्टवेयर बना के दिया तो सबसे पहले उसने इसका डॉस वर्जन निकाला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस वर्जन तो शायद आप लोगों में से किसी ने इस्तेमाल भी ना किया हो, विंडोज़ 98 से पहले था, उसमें हम ये इस तरह से इतने अच्छे लेवल के ऊपर विंडोज़ को ऑपरेट नहीं थे कर सकते, बल्कि सिर्फ कीबोर्ड हमारे पास होता था, हम कमांड्स देते थे, कीबोर्ड से कुछ ना कुछ लिखते थे, उन कमांड्स के ऊपर कंप्यूटर काम करता था और काम के मुताबिक आपको रिजल्ट दे देता था। खैर जहाँ से आपने सुना होगा वो शायद माइक्रोसॉफ्ट 7 का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूंगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 की, विंडोज एक्सपी की, विंडोज विस्टा की, विंडोज 7 की, विंडोज 8 की और विंडो 10 की। तो ये बेटा तमाम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एडिशंस थे, ठीक है। उसने एक लॉजिकल सीक्वेंस रखा 98 के बाद एक्सपी, एक्सपी से मुराद था एक्सपीरियंस, कि ये पहला एक्सपीरियंस है जिसमें उसने एक विंडोज़ को बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ग्राफिकल बड़े प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया था। फिर विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 उसने एक रैंडम सीक्वेंस रख दिया। फिर बेटा उसके बाद हमारा सिर्फ यही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी को चीज़ नहीं बनाती है, हाँ किसी एक कंपनी की बनाई हुई चीज़ पॉपुलर हो जाए, मशहूर हो जाए, वो एक अलहदा बात है लेकिन दुनिया में हर कंपनी जो सी है वो कोई ना कोई काम कर रही होती है। एप्पल की कंपनी ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया बेटा, उसने उसको नाम मैकिंटोश दिया। यही वजह है कि हम एप्पल के लैपटॉप को अक्सर मैकबुक कहते हैं। उसको मैकबुक कहने का मकसद ही ये होता है कि मैक लफ्ज निकला मैकिंटोश से, कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बुक, यानी कि उन्होंने अपने लैपटॉप को बुक लैपटॉप का नहीं नाम दिया बल्कि उन्होंने मैकबुक का नाम दे दिया कि जिसके अंदर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हो रहा होता है। फिर बात की जाए बेटा लिनक्स यूनिक्स की, तो बेटा ये दो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने नेटवर्किंग सीखनी होती है या हैकिंग सीखनी होती है। लिनक्स और यूनिक्स हमारी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो उसका तमाम कोड आपके सामने मौजूद होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपको अपने एप्लीकेशन का कोड नहीं प्रोवाइड करती कि कौन सी एप्लीकेशन मैंने किस प्रोग्रामिंग के तहत बनाई है, लेकिन यूनिक्स और लिनक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है तो ये आपको उसका साथ कोड भी प्रोवाइड करता है। अच्छा इसके बाद अगर बात की जाए तो एंड्रॉयड फ़ोन्स की, तो एंड्रॉयड फ़ोन जो सा है, एंड्रॉयड फ़ोन में जो हम लव एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अब एंड्रॉयड आपके तमाम मोबाइल के फंक्शंस को कंट्रोल भी कर रहा होता है और हार्डवेयर को भी चला रहा होता है। तो बेटा इंशाल्लाह आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं।